हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं क्रिएट करने जा रही हूँ कुछ नया फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम, और बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ वीडियो। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ जो मैं यूजुअली करती हूँ उससे। तो मुझे दिखा ये इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड इस पर जब मैंने स्क्रॉल किया तो मुझे दिखा ये आई लुक, एंड मुझे दिल से लगा कि मैं इसे रिक्रिएट करूँ। इस तरीके के ड्रामेटिक आई लुक मैंने कभी भी क्रिएट नहीं किए हैं। अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे रेगुलरली तो आपको पता होगा रेगुलर बेसिस पे जो हम ट्राई कर सकते हैं ऐसे ही लुक मैं कुछ क्रिएट करती हूँ। बट आज कुछ हटके ट्राई करने वाली हूँ मैं वो फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। तो देखते हैं कि कैसे क्रिएट कर पाती हूँ मैं इस आई लुक को। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। करूँगी प्राइमर। तो प्राइमर फेस को प्राइम करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पोर मिनिमाइजर प्राइमर फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक। मैं अपने टी जोन पे लगाऊंगी, आई लिड एरिया पे लगाऊंगी, मैं इसे लगाऊंगी अच्छे से। आपको मैं बता दूँ कि मैं स्किन केयर पहले ही कर चुकी हूँ, क्योंकि आज के मेकअप में मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ आई मेकअप के लिए। तो इसीलिए पहले आई मेकअप करूँगी, दैट्स इट। तो प्राइमर लगा के हो गया है। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी अभी कंसीलर। कंसीलर यूज़ करने से पहले मैं कर रही हूँ अपनी आईब्रोज। आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का स्कल्प एंड सेट ब्रो जेल इन द शेड ब्राउन। मैं इसे अपनी ब्राउज सेट कर लूँगी, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। अगर आपको पता होगा ये मेरा फेवरेट हो चुका है, जो मेरे फेवरेट थे फ्रॉम 2023, उस लिस्ट में मैंने इसको ऐड भी किया है सबसे पहले नंबर पे है। तो ये हो गई है मेरी आईब्रोज दोनों भी। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड 4, एंड इसे मैं अपने आई लिड पे लगाऊंगी ताकि ये एक मेरे आई शेडो को बेच दे। जो आई शेडो के कलर्स हैं मेरे, उसका पिगमेंट अच्छा है। इसे मैं ब्लेंड करूँगी ये वाले ब्यूटी ब्लेंडर से। इसके बाद मैं करूँगी जो कंसीलर उसे सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का लूज पाउडर, शुगर का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। आज आई शेडो, कलरफुल आई शेडो क्रिएट करने के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं, ग्रीन एंड येलो मिक्स ऑफ इट। तो उसके लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये मास आई स्कैन कील का आई शेडो पैलेट। इसे मैंने ख़रीदा ही इसीलिए था कि मैं कलरफुल आई लुक्स ट्राई कर सकूं, एंड फाइनली मैंने मन बना लिया कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करूं। तो ये है इसमें से शेड, कुछ ऐसे ऐसे शेड है इसमें। अगर आप इसका फुल स्वॉचेस वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन में लो, मैं इसका फुल स्वॉच वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, मुझे अच्छा भी लगेगा। तो ये है कुछ ऐसा सा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आई लुक। जो सबसे पहले यूज़ हुआ है दिस आई लुक कलर, वो कुछ ये वाला है येलो ग्रीन सा कलर, एंड दिस इज हाउ इट। सो मैं इसको अप्लाई करूँगी अपनी इनर आई कॉर्नर के साइड पे कुछ इस तरीके से। ज़्यादा पिगमेंट है इसके लिए मैं ये फ्लैट डेंस वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ। जैसे तैसे करके इतना कुछ इंटेंसिफाई में कर चुकी हूँ, कर पाई हूँ, और इसे करेंगे इंटेंसिफाई। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, आंखों पे थोड़ा पिगमेंट काम है इसका। ये कुछ ऐसा लग रहा है मेरी दोनों आंखों पे कलर लगाने के बाद। इसके बाद जो कलर यूज़ हुआ है वो है कुछ डार्क मेहंदी कलर का। तो इसके लिए मैं सेम ही ब्रश लूँगी। ये है जो डार्क ग्रीन जो मेहंदी कलर है वो मेरे पास ये है। तो लेट्स सी कि वैसे दिखता है कि नहीं, एंड उसे लगाया गया है सिर्फ और सिर्फ आउटर कॉर्नर पे। तो मैं वही करूँगी सेम प्रोसेस आपके लिए पे जो आउटर कॉर्नर है उस पे। आनो कलर्स थोड़े वैरी कर रहे हैं, बट आई एम ट्राइंग दी सेम ही क्रिएट हूँ। कलर
बैग से, तो मैं अदर आई ऑफ कैमरे करूँगी। आफ्टर दैट व्हाट शी हैज डन कि उसने इससे लाइट कलर लेके इसको ब्लेंड किया है टुवर्ड्स दी क्रीज एरिया एंड इसे थोड़ा सा ब्लेंड किया है, बीच में जो गैप है वो एज इट इज़ है। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास एग्जैक्टली लाइट शेड तो नहीं है बट मैं सेम ग्रीन लूँगी एंड इसमें मैं थोड़ा सा लाइटर ग्रीन ऐड करूँगी लिड से कि कैसे वाला शेड आता है। तो मैं कुछ ऐसा जुगाड़ कर रही हूँ, आई एम नॉट श्योर कि कैसे गाता आएगा। पहली बार मैं ऐसा वाला आई लुक क्रिएट कर रही हूँ, वो भी ग्रीन। तो ये कुछ ऐसा सा लुक मिला है हमें। उसके बाद उसने यूज़ करा है शिमर जो कि है ग्रीन में। एक्चुअल में ये जो डार्क ग्रीन है ना उसका शेड का शिमर है बट मेरे पास वो वाला नहीं है, आई हैव अनदर शेड कि कुछ ऐसा सा है दिस ग्रीन। लेट्स अप्लाई इट जो भी हमारा बीच का जो रह गया है ना एरिया खाली वाला वहाँ पे, दैट्स इट, यही पे अप्लाई किया है। जस्ट क्विकली गोइंग टू ब्लेंड इट एंड इसके जो इनर कॉर्नर एरिया पे है ये जो बच गया है हमारा ये वाला यहाँ पे लगाया है गोल्डन। इट्स नॉट दैट गोल्डन, ये जो शेड लगाया हमने उससे सिमिलर है, तो वो वाला शिमर शेड है मेरे पास जो इससे सिमिलर है। इट्स नॉट दैट एग्जैक्टली गोल्डन दैट शी हैज़ अप्लाइड बट ये जो शेड लगाया मैंने इनर कॉर्नर पे ये इससे सिमिलर है, सो आई एम जस्ट क्विकली अप्लाइंग इट। इट इज़ एक्चुअली इन बिटवीन येलो एंड ग्रीन, वो जो स्केच पेन रहता है ना हमारे बॉक्स में जिसका नाम हमें पता नहीं रहता वो वाला, एग्जैक्टली दैट कलर। मैं क्विकली ब्लेंड कर रही हूँ जो बीच के जैसे दोनों कलर की। दिस इज हाउ इट्स लुकिंग, आई थिंक इट्स लुकिंग प्रीटी नाइस। दूसरे हफ्ते भी मैं सेम ही कलर लगाने वाली हूँ। ऐसा आई लुक इसके पहले कभी भी नहीं किया है, तो उससे पहले मैं जो एजेस से इसकी ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे, जो भी कलर से प्रॉपरली ब्लेंड हो जाए। जो लोअर लैश लाइन है उस पर काम करने से पहले मैं कर लेती हूँ अपना बेस, क्योंकि बाद में फिर मुझे बेस करने में प्रॉब्लम जाएगा, तो बेस करके मैं आती हूँ वापस। हेलो गाइस, तो मैं कर चुकी हूँ अपना बेस मेकअप कम्प्लीट। दिस इज हाउ इट लुकिंग। मैंने एक हफ्ता प्रॉपरली स्किन केयर फॉलो नहीं किया इसलिए मेरे फेस की बैंड बजी हुई है एंड आज का बेस भी थोड़ा मेसअप हो गया, बट दैट्स फाइन। आज हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ आई लुक पे। आई ट्राइड माय बेस्ट कि मेरा बेस मेकअप अच्छा हो, बट थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हमारा मेन फोकस है आई लुक, तो उसे हम अभी कंप्लीट करेंगे। आप जो आई शेडो लगाया गया है लोअर लैश लाइन पे वो लगाया है ये डार्क वाला, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये फ्लैट वाला ब्रश जो कि डेंस भी है। सेम आई शेडो मैं उठा रही हूँ एंड आई एम प्लेसिंग इट हियर ऑन माय लोअर लैश लाइन। नाउ आई एम गोइंग टू मर्ज इट। आई लुक में भी सेम ये जो पोर्शन है आउटर कॉर्नर का वो काफ़ी ज़्यादा डार्क शो हो रहा है, सो आई एम इंटेंसिफाइंग इट अ बिट। दैट्स इट। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे इस लोअर लैश लाइन पे। तो ये स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से मैं थोड़ी सी जो लोअर लैश लाइन है उसे ब्लेंड करूँगी। इसके बाद जो वाटर लाइन है उस पर लगाया है ग्रीन कलर जो कि लाइट ग्रीन बोल सकते हैं, तो वही मैं सेम बदल मैंने वाटर लाइन पे आशा रहा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लगा रहा, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं ट्राई किया ये। मतलब मेरे बिल्कुल क्लोज टू माय लैश लाइन ताकि जो कलर है वो मेरे आँख में ना आ जाए। ये स्मॉल वाला
ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो मैं अक्सर अपने लिप्स के लिए यूज़ करती हूँ, बहुत बारीकी का काम है ये, तो इसीलिए छोटा वाला ब्रश। तो मैं उठा रही हूँ ग्लिटर, एंड जो ग्लिटर मैंने यहाँ पे लगा, सेम ग्लिटर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी ऑन माई लैश लाइन। एंड यहाँ पे जो ऐड किया हमने कलर वो ऐसे पॉप नहीं हो रहा है। आई एम गोना डू इज, मैं इसमें थोड़ा सा गोल्डन ऐड करूँगी, मेरे पास एग्जैक्टली येलो शेड तो नहीं है, इसमें थोड़ा सा गोल्डन ऐड करूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, अलग दिखे, जैसे अभी थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। इससे ही मैं थोड़ा सा इसको ऐसे जिसको ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंड यानि मिक्स कर रही हूँ उसको ताकि वो अलग ना दिखे एंड ऐसे स्पेसिफिक लाइन ना दिखे। मैं ऐड कर रही हूँ हाइलाइटर अपने ब्रो बोन पे एंड उसके बाद इनर आई कॉर्नर पे। That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you. मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ एंड मस्करा लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ मेरा कंप्लीट लुक। तो ये था आज का मेरा फन वीडियो, मैं चाहती थी कुछ नया सा मैं रिक्रिएट करूँ, तो ये है आई लुक जो मैंने रिक्रिएट किया आज। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल भी लगा होगा एंड आपने एंजॉय भी किया होगा। तो ऐसे और फन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए इस वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। When all I can is thinking about you.